हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 8 फीट की हाइट में अगर आप टाइल्स लगाते हो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर और एल टाइप किचन में आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो क्या लुक रहने वाला है, इस वीडियो में आपको वो पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलती है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर मार्बल का पार्टीशन जो पिंक मार्बल आता है 3500 रुपये फीट, उस पिंक मार्बल का यहाँ पर पार्टीशन बनाए हुए हैं डबल पीस को यहाँ पर चिपका कर कच्चा प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर राजस्थान का जो मालकोट ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट यहाँ पर यूज़ किया हुआ देख सकते हैं। ग्रेनाइट की पॉलिश की बात करें तो बहुत ही लाइनर पॉलिश राजस्थान का, जिसे मालकोट कहते हैं। रेट की बात करें तो नवरंग सिरामिक मंगलवार से ये 130 रुपये में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। अब डिज़ाइन की बात करें तो एल टाइप में ये किचन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें एक साइड में आप देख सकते हैं 24-18 का किचन सिंक यहाँ पर फिटिंग किया हुआ है। सिंक की डिप की बात करें तो यहाँ पर 9 इंच डिप है और 24-18 इसकी साइज है। रेट की बात करें तो ये 2500 रुपये का सिंक स्टील का है, जिसकी लाइफ टाइम की वारंटी है। और सिंक के नीचे जस्ट नीचे आप देख सकते हैं वेस्ट पानी जाने के लिए यहाँ पर होल वाली जाली यहाँ पर लगाई हुई है। अब बात ऊपर की करते हैं तो ऊपर में प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 इंच की सेम ब्लैक ग्रेनाइट की यहाँ पर स्कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चैम्बर लगाया हुआ है और चैम्बर लगाने के बाद ऊपर टाइल्स की शुरुआत की हुई है, जो 2x1/24 बार्सिलोना ब्रांड की है। बहुत ही शानदार क्वालिटी की टाइल्स हैं। अमूमन प्रत्येक क्लाइंट को ये टाइल पसंद आती है और लगने में भी बहुत शानदार लुकिंग आता है। देखिए, इसके हाइलाइटर लगाने के अलग अलग तरीके हैं। आप चाहो तो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर भी लगा सकते हो, और आप नहीं चाहते हो तो हाइलाइटर कम भी आप लगा सकते हो। 8 फीट की हाइट है, जिसमें 4 इंच नीचे स्कटिंग लगी हुई है ब्लैक में, और 6 इंच ऊपर आप देख सकते हैं टाइल्स की कटिंग करके यहाँ पर जो टाइल्स की कटिंग है वहाँ लगाई हुई है। ऐसा करके 8 फीट यहाँ पर है और एक साइड विंडोज़ बड़ी रखी हुई है, जहाँ पीछे आप देख सकते हैं वेंट है, बहुत बड़ा OTS दे रखा है यहाँ पर, ताकि किचन का कोई भी परचूनी अगर कार्य हो तो पीछे आप यहाँ पर इस प्रकार की पूरे स्पेस दे रखा है, जहाँ आप किचन के अलावा भी आप बहुत सारे काम पीछे आप कर सकते हो, कपड़े सुखाना या फिर किचन की जो एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं वो पीछे ले जाना, वो कार्य आप पीछे वाले स्पेस में कर सकते हो। और किचन के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये जगह है जो बहुत ज़रूरी है किचन में, इसे बोलते हैं अपन स्टोर रूम यहाँ पर बनाया हुआ है। और देख सकते हैं सेल्फ हैं, 3 सेल्फ पूरी की पूरी सेल्फ यहाँ पर लगाई हुई है मार्बल में, और दीवार पर भी देख सकते हैं टाइल्स, ताकि पीछे दीवार आप कभी खराब ना हो और आपको कलर पुट्टी करने की जरूरत भी नहीं हो लाइफ टाइम। और ये पीछे वेंट यहाँ पर देख सकते हैं उजासे के लिए लगाया हुआ है, तो एक मोटा मोटी एक अनुमान लगा सकते हो अगर आप भी आपके मकान में किचन बना रहे हो तो आप इस प्रकार का किचन लुक देकर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में आप इस प्रकार का किचन तैयार करवा सकते हो। मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट में अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।